बैटरी एक प्रकार का उपकरण है जिसमें एक या उससे अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं जो बाह्य रूप से जोड़े जाते हैं, जिससे विद्युत उपकरणों को ऊर्जा प्रदान की जाती है। बैटरी अनेक आकारों और प्रकारों में आती है। कलाई की घड़ी की लघु बैटरी, हमारे स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली एकदम पतली बैटरी, या फिर लीड एसिड या लिथियम आयन वाली बैटरियां जो वाहनों में इस्तेमाल होती है। मुख्य रूप से दो प्रकार की बैटरियां होती है, प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी। प्राथमिक बैटरी में ऊर्जा पूर्ण रूप से इस्तेमाल की जाती है और फिर उसे फेंक दिया जाता है। प्राथमिक बैटरी में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं प्रतिवर्ती नहीं होती हैं, अर्थात पुनः नहीं की जा सकती है। इसी कारण इन्हें फिर से आवेशित नहीं किया जा सकता है। जब बैटरी में स्थित अभिकारक क्षीण हो जाते हैं तब बैटरी विद्युत निर्माण करना बंद कर देती है और उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता है। द्वितीयक बैटरियों को आवेशित किया जा सकता है। सेल में विद्युत प्रवाह के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्क्रमित किया जा सकता है। इससे मूल रासायनिक अभिकारकों का पुनर्निर्माण किया जा सकता है, जिसके कारण इनका फिर से उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार पुनः आवेशित कर इन्हें अनेकों बार उपयोग में लाया जा सकता है। निर्देशित वोल्टेज में बैटरी कितनी मात्रा में विद्युत आवेशों को प्रदान करती है, इस पर उस बैटरी की क्षमता निर्धारित की जाती है। जितना अधिक इलेक्ट्रोड पदार्थ बैटरी में होंगे उतनी ही अधिक उसकी क्षमता होगी। एक छोटे सेल में कम क्षमता होती है, पर एक बड़े सेल में भले ही समान रासायनिक अभिक्रिया हो या वे भी समान मुक्त परिपथ वोल्टेज का निर्माण करे, उनकी क्षमता अधिक होती है। इनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें, जैसे उनकी क्षमता, रासायनिक तत्व, वोल्टेज की मात्रा इत्यादि। पानी का उदाहरण, आइए अब पानी के उदाहरण द्वारा वोल्टेज, प्रतिरोधक और प्रवाह को समझने की कोशिश करते हैं। हम बात को अधिक अच्छी तरह से समझे इसलिए पानी में स्याही के रंग को मिलाया गया है। मान लीजिए हमारी बोतल एक बैटरी है, जहां हम एक विशिष्ट प्रमाण में ऊर्जा को संग्रहित कर रखते हैं, जिसे बाद में छोड़ा जा सकता है। अगर हम पानी को एक विशिष्ट मात्रा में बहने देंगे तब बोतल के मुहाने पर जो दबाव निर्माण होता है वो नीचे की ओर चला जाता है। हम इसे कम होते वोल्टेज के रूप में देख सकते हैं, अर्थात बैटरी के क्षीण होने के कारण उसके बल्ब का उजाला भी कम होता जाता है। हम देख सकते हैं कि मुहाने से बाहर निकलने वाली पानी की मात्रा भी कम हो गई है। कम दबाव का अर्थ होता है कम मात्रा में पानी का बहना। चलिए इसी के आधार पर विद्युत प्रवाह के बारे में बात करते हैं। इस उदाहरण में पानी का अर्थ आवेश है, दबाव का अर्थ वोल्टेज है और पानी का बहाव विद्युत प्रवाह दर्शाता है। एक प्लास्टिक का पेन बोतल के मुहाने पर लगा है। अंत के खुले मुहाने पर अधिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र है, जबकि नोक पर वो क्षेत्र कम है। नोक से बहने के लिए पानी को अधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ पानी के बहने में भी अधिक समय लगेगा। अगर मुहाना बड़ा हो तो उससे कम प्रतिरोध निर्माण होगा, जिसके कारण पानी का बहाव भी जल्द गति से होगा। बोतल पर लगे मार्क अलग अलग समय को दर्शाते हैं, जो समय पानी को बोतल से बाहर निकलने के लिए लगा है। सैकड़े नोक वाले मुहाने से पानी को बाहर बहने के लिए 25 सेकंड का समय लगा, और जब मुहाना बड़ा था तब पानी को बाहर बहने के लिए 20 सेकंड का समय लगा। अगर दोनों मुहानों को खोल दिया जाए तो चिन्हित भाग तक पहुंचने के लिए पानी को 16 सेकंड का समय लगा। इसमें न सिर्फ प्रतिरोध कम हुआ परंतु पानी के बहाव के लिए अन्य मार्गों को भी खोल दिया गया। इसी कारण पानी के लिए जो प्रतिरोध था उसका प्रभाव घट गया। अगर हम मुहाने की लंबाई को बढ़ा दें फिर भी ये पानी को प्रतिरोधित करेगा। अगर हमने मुहाने की लंबाई 4 मीटर रखी तो पानी को बहने के लिए 540 सेकंड लगेंगे, और अगर इसी पाइप की लंबाई को 1 मीटर रखा तो चिन्हित भाग तक आने के लिए पानी को 180 सेकंड का समय लगा। पानी से भरी दो बोतलें दो भिन्न स्तर पर हो तो उसके परिणाम स्वरूप दबाव में अंतर आता है। अगर हम इन दो बोतलों को पाइप की सहायता से जोड़ दें तब पानी अधिक दबाव से निम्न दबाव की ओर जाएगा। जब दोनों समान स्तर के हो जाएंगे तब पानी का बहाव रुक जाएगा, क्योंकि अब दबाव में कोई फर्क नहीं रहा है, दबाव शून्य हो गया है।
इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब विभवांतर शून्य होता है तब विद्युत प्रवाह नहीं होता है। आप ये गतिविधि विविध प्रकार और आकार की बोतलों को लेकर और अन्य अन्य प्रकार के पेनों को लेकर भी कर सकते हैं। परिपथ के चिन्ह। परिपथ का आरेख विद्युत परिपथ का चित्रात्मक प्रदर्शन होता है। इस चित्र में जो घटक परिपथ के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है। देखते हैं कि एलईडी बल्ब को किस प्रकार दर्शाया जाए। यहां पर ऊर्जा के स्रोत जैसे बैटरी को दर्शाने के लिए दो विभिन्न लंबाई वाली सीधी लकीरों का उपयोग किया गया है। परंपरागत विद्युत प्रवाह धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर जाता है। आरेख में तार के रूप में जो रेखाएं दर्शाई गई हैं, जो परिपथ के अन्य घटकों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। वास्तविक तौर पर ये तार तांबे जैसे धातु की भी हो सकती हैं, जो सारे घटकों को जोड़े, पर परिपथ के आरेख में हम इन्हें रेखाओं के रूप में ही देख सकते हैं। तार में शून्य प्रतिरोधकता और शून्य वोल्टेज की कमी भी हो सकती है, पर हम जानते हैं कि वास्तव जीवन में ये सत्य नहीं होता है। थोड़ा बहुत प्रतिरोध तो होता ही है, पर अभी के लिए हम ये मानकर चलते हैं कि इनमें शून्य प्रतिरोध और शून्य वोल्टेज की कमी है। दोहरी ए बैटरी एलईडी बल्ब को जलाने के लिए पूरी नहीं पड़ सकती, इसी कारण हमें एक और बैटरी जोड़नी पड़ेगी। बैटरी को जोड़ने से उससे संबंधित जो चिन्ह हमने परिपथ के आरेख में बनाया था उसमें भी परिवर्तन आएगा। हम परिपथ में प्रतिरोध के लिए एक प्रतिरोधक भी जोड़ने वाले हैं। अगर हमने ये प्रतिरोधक नहीं लगाया तो शायद हमारा एलईडी बल्ब फूट सकता है। यह है प्रतिरोधक का चिन्ह। आड़ी तिरछी लकीरों का एक समूह। लकीरें कितनी हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये परिपथ में इलेक्ट्रॉन के बहाव को प्रतिरोधित करता है। स्विच का उपयोग परिपथ में विद्युत प्रवाह को बंद और शुरू करने के लिए किया जाता है। भले यहां पर हमने ये काम करने के लिए तार का इस्तेमाल किया है, वास्तव में एक अन्य घटक ये कार्य करता है। स्विच की खुली स्थिति को इस प्रकार दर्शाया जाता है और बंद स्थिति को इस तरह से। जब स्विच बंद होता है तब प्रवाह बहता है। संगम संधि तार जुड़े हुए हैं ये दर्शाती हैं। जहां पर ये विद्युत रोधित तारें एक दूसरे को लांघते हुए गुजरती है उसे आमतौर से एक अर्ध गोलाकार से दर्शाया जाता है। ये चिन्ह तार एक दूसरे को लांघती है ये दर्शाता है। किसी भी परिपथ में दो विद्युत विभवांतर के बिंदुओं को नापने के लिए वोल्टमीटर वोल्ट मापक यंत्र नामक यंत्र का उपयोग होता है। परिपथ के चित्र में वोल्टमीटर को गोले में वी अक्षर द्वारा दिखाया जाता है। वो विभवांतर का मापन करने वाले दो बिंदुओं के बीच में एक समांतर के तौर पर दर्शाया जाता है। अमीटर वो उपकरण होता है जो विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच में हो रहे विद्युत प्रवाह को नापने का कार्य करता है। परिपथ के आरेख में इसे गोले में लिखित बड़े वाले ए अक्षर से दर्शाया जाता है और ये श्रेणी क्रम परिपथ में होता है। जब परिपथ में प्रतिरोधक को दिखाने की आवश्यकता होती है तब रियोस्टैट का उपयोग किया जाता है और उसे इस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। दिए हुए स्लाइडर का प्रयोग कर हम प्रतिरोध को कम या अधिक कर सकते हैं। इनका उपयोग वोल्टेज पर नियंत्रण के लिए होता है या फिर परिपथ में बहने वाले विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए होता है। रियोस्टैट को हमेशा ऊर्जा के नियंत्रक के रूप में उपयोग में लाया जाता है, जैसे विद्युत मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए, प्रकाश की तीव्रता को कम या अधिक करने के लिए। इलेक्ट्रिक ओवन या भट्टियों जैसे उपकरणों में तापमान को बरकरार रखने के लिए। वैसे तो जो तार रियोस्टैट में इस्तेमाल की जाती है वो सामान्यतः तांबे निकल मिश्र धातु की होती है, फिर भी हम 34 गेज की तामचीनी चढ़ी तांबे की तार का इस्तेमाल करके एक सामान्य सा रियोस्टैट बना सकते हैं, जिससे हमें उसकी संकल्पना समझने में आसानी हो। गोल प्लास्टिक के मर्तबान को तार से लपेटा जाता है, सीधी रेखा पर चढ़ी परत को हटा दिया जाता है। उसी खुली तांबे की तार में वॉशर को लगाया जाता है। वॉशर को सरकाने से तांबे की तार की लंबाई में फर्क पड़ता है, जिससे प्रतिरोध की मात्रा में भी फर्क पड़ता है। हम इस बदलाव को देख सकते हैं जब इसे इस परिपथ में जोड़ा गया है। जैसे जैसे हम वॉशर को सरकाते हैं एलईडी बल्ब की तीव्रता कम अधिक होती दिखाई देती है।
अब आपको भी इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करते हुए श्रेणी क्रम और समांतर परिपथ के आरेख बनाने की कोशिश करनी है।